झुंझुनू उपचुनाव में भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बागी हुए राजेंद्र भांबू को अब पार्टी से टिकट देकर प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा ने 2023 के चुनाव में झुंझुनू से बबलू चौधरी को मैदान में उतारा था और उपचुनाव में जब उनका टिकट काटने के बाद पार्टी में फिर बगावत शुरू हो गई। बबलू चौधरी ने आज अपने आवास पर एक सभा का आयोजन कर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन बबलू चौधरी की बगावत क्या कांग्रेस के लिए राह आसान करने वाली है? यह पिछले चुनाव में बबलू चौधरी को भाजपा के सिंबल पर 57,010 वोट मिले थे, जबकि भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र भांबू को 41,855 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ब्रजेंद्र ओला को 84,582 वोट मिले थे, यानी भाजपा की अंतर्कलह के चलते कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला को आसानी से जीत हासिल हो गई। अब सवाल यह है कि अगर कांग्रेस ओला परिवार को ही टिकट देती है तो क्या इस बार फिर भाजपा के इस आपसी कलह का फायदा उन्हें मिलेगा? यह बात तो साफ है कि भाजपा के आपसी कलह और बगावत से कांग्रेस को फायदा होना दिख रहा है। अब ये देखना होगा कि इस खेल में कांग्रेस फिर बाजी मारती है या अन्य। बबलू चौधरी ने तो अब भाजपा के स्थानीय नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से जंग का ऐलान कर दिया है और इस झुंझुनू को आगे बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने अगर ये निर्णय कर लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है तो ये परसों की जो घोषणा फॉर्म भरने की 11:15 का समय दिया है, 11:15 फॉर्म भरा जाएगा और जो लोग या कोई भी पार्टी या कोई भी समीक्षा करने वाले या पार्टी को गलत तरीके से फीड करने वाले ये देखना चाहते हैं कि इन पेटियों में क्या निकलेगा, तो ये हम पेटियों में दिखाएंगे 13 तारीख को कि बबलू चौधरी ने क्या काम किए। और मैं भी अपने आप की ये टेस्टिंग करना चाहता हूँ कि इस जनता के मैंने काम किए, मैं जनता के साथ खरा उतरा या नहीं उतरा, इस बात की टेस्टिंग 13 तारीख को हो जाएगी। आपके समर्थन में बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारियों और जो शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफे आपको सौंपे हैं, किस तरह क्या नाराजगी है भाजपा में टिकट वितरण को लेकर? किसी की राय नहीं ली गई, सबके सब कार्यकर्ताओं को मारने का काम किया गया है और जिस तरीके से बागियों को टिकट दी गई, मैं यहाँ की बात नहीं करता, जिस तरह से इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में 2 बागियों को टिकट दी गई है, ये ट्रेंड हमें बर्दाश्त नहीं है। और जिस तरीके से लोगों को निष्कासित कर दिया जाता है और निष्कासित करने के बाद उनको वापस पार्टी में लाकर पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये स्टाइल पार्टी अपनाएगी, बागियों को टिकट देके उनको आगे लेके आएंगे, जो मोदी जी के लिए, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह के वक्तव्य उनके थे पिछले चुनाव में, वो वक्तव्य उनके होने के बाद में अगर पार्टी ये काम करती है तो उस बात का मैं पूरा विरोध करता हूं और उन नेताओं के निर्णय का भी विरोध करता हूं। और 13 तारीख को इसका पेटियों में और सड़क पे इस बात को दिखाएंगे कि राज से जीता जा सकता है या जनता के वोटों से जीता जा सकता है, ये बात सामने लाके दिखा देंगे। अगर पार्टी बात करने का मौका मांगती है तो पार्टी में लिया जाएगा? पार्टी में उन लोगों के साथ कोई वार्ता नहीं करेंगे जो लोग पार्टी को गलत फीडबैक देते हैं, जो लोग उस पार्टी की वर्दी में, जो नेतागिरी की आड़ में किसी के दूसरे काम करके, जो लेन देन करके या उनसे प्रभावित होकर जो गलत तरीके के फीडबैक देते हैं, उन छुटभैये नेताओं से किसी से बात नहीं करेंगे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं का अगर सम्मान होगा, कोई बात होगा तो विचार कर सकते हैं, अगर ये कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया तो कोई विचार नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी आगे। मैं यही आप लोगों को, मीडिया के बंधुओं को कहना चाहता हूं और बाकी सारा का सारा, सारी ताकत
हम उस दिन दिखाएंगे जिस दिन पेटियां खुलेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।